देवास राजस्थान से खंडवा ट्रक में भरकर पशुओं की गोवंशी करने के लिए लेकर जाते पुलिस ने ट्रक पकड़ा है। पशुओं के साथ 5 लोगों को भी पकड़ा है। औद्योगिक थाना पुलिस ने सभी के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। दरअसल औद्योगिक थाना पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि ट्रक में पशुओं को भरकर राजस्थान से खंडवा लेकर जा रहे हैं, जिस पर पुलिस ने पालनगर फंटा के पास ट्रक को रोका और तलाशी ली तो अंदर 9 गाय और 3 बछड़े मिले। पुलिस ने मौके से उल्कान कुरेशी, शाहरुख कुरेशी, इलियास, उपेंद्र सिंह, ट्रक के मालिक रविंद्र सिंह, सभी निवासी आगरा उत्तर प्रदेश को पकड़ा है। पुलिस ने सभी के खिलाफ गोवंश अधिनियम, पशु क्रूरता सहित अन्य धाराओं में अपराध दर्ज किया है। बताया जा रहा है कि यह लोग पशु को गोवंशी के लिए खंडवा लेकर जा रहे थे। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक ट्रक के राजस्थान वासी RJ11GA4286 जिसमें अवैध रूप से गाय कटने के लिए खंडवा जा रही है। सूचना पर फोर्स के हमरा से ट्रक को रोककर पकड़ा। हमने 10 चक्का ट्रक था जिसको अंदर तिरपाल से ढकी हुई थी और जिसमें गायों के पैर और बछड़ों के पैर बंधे हुए थे। कुछ पड़ी हुई थी, कुछ खड़ी हुई थी। उन 9 गायें और 3 बछड़े उसमें से थे। जब इनको रोक के पूछा रसीद वगैरह के, इन्होंने कोई रसीद होना नहीं बताया और जब उनसे सख्ती से पूछताछ किया तो बोले खंडवा ले जा रहे हैं। 698 जिस पर से 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, गोवंश के साथ इनके अपराध पंजीबद्ध किया है और ये सभी आरोपी 5 उत्तर प्रदेश आगरा के आसपास के रहने वाले हैं। इनके नाम हैं उल्कान पिता जुम्मा कुरेशी, शाहरुख पिता सप्लीन कुरेशी और इलियास पिता अब्दुल सलाम, उपेंद्र पिता नेपाल सिंह और रविंद्र पिता गिरेंद्र सिंह ठाकुर, जो आगरा के उत्तर प्रदेश के आसपास के रहने वाले हैं। इनके मध्य प्रदेश गोवंश के अधिनियम की धारा 469 गोवंश वध प्रतिशत अधिनियम 2004 11D पशु क्रूरता अधिनियम के तहत कदम पंजीबद्ध कर इनको भार के होने से माननीय न्यायालय पेश कर बिल्कुल जल्दी रहेगी अभियान में वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में निरंतर कार्य। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की रिपोर्ट।